गच्चक को जो कहते हैं पीनट पैटी। बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे दवाई नहीं होती वो इंडिया में खांसी वाली, बीच बीच में ऐसा नहीं लग रहा है। सो हम गलत लोकेशन पे आ गए थे, लेट्स मेक अ यू टर्न। ये पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ले सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो हम जा रहे हैं पिकअप करने और जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ पे आ रही हैं छोटी छोटी दुकानें, हट्टियां आ रही हैं बीच बीच जिदा पिंडा दे बीच हुंदियां सी ना लाइक दैट। तो पहाड़ियां, ओ माय गॉड, हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसपे हमने चेरीज बाय की थी एंड उसी वीडियो के थ्रू हमें मैगजीन इंटरव्यू मिली थी। हाँ जी। तो इस बार हम फिर से वीडियो बनाएंगे, देखते हैं इस वीडियो से हमें क्या मिलता है। क्या मालूम हमें बिग बॉस ओटीटी में बुला ले। चलो अभी पहाड़ियाँ देखने दो। अच्छा लाइट्स भी आती हैं यहाँ पे? नहीं ये वो इधर नहीं आती, दूसरी तरफ। ये खेत और वो उधर उन्होंने कवर किया हुआ है, कुछ पता नहीं क्या उगाया है वहाँ पे। ऐसी फार्मिंग बहुत देखने को मिलती है, इस साइड पे फार्मिंग बहुत है, इसीलिए तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज चेरीज इतना कुछ होता है, क्योंकि जो अपने फार्म में जो चीजें वो उगाते हैं वही थोड़ी बहुत ही अपनी बाहर दुकान के पे भी रख लेते हैं और बाकी फिर वो मार्केट में बेच देते हैं। इवन हमने यहाँ से लोड उठाने जाना, देखो मे बी वो भी कुछ बेचते हो। हाँ उनकी है मार्केट है। हाँ। हम पिछली बार हमने पिस्टैशियोस उठाए थे तो वहाँ वो पिस्टैशियोस बेचते थे, तो और इतने चीप थे ना, जो हम वॉलमार्ट और ये दूसरे बिग स्टोर से लेते हैं वो इतने महंगे देते हैं, और जो इतने चीप दे रहे थे ना कोई हिसाब नहीं है। और इधर वो फिर से बोर्ड लगे आ गए हैं, स्वीट कॉर्न, स्ट्रॉबेरीज, लोकल हनी, चेरीज। तो ये शॉप मुझे लग रहा है खुली है, एप्रिकॉट्स लेने हैं पाल यहाँ से, देखते हैं चलो कितने के हैं। यहीं पे लगा लो ना साइड पे। हाँ यहीं लगा लेते हैं, शॉपिंग करते हैं। ओह यस, हाँ खुली है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तीन चार। फ्रूट बार्न, गच्चक को जो कहते हैं पीनट पैटी। पीनट पैटी लेनी? मैं तो वो लूंगी। 33 ग्राम शुगर है। ऑर्गेनिक ब्लैक गार्लिक। यस वेरी वेरी वेरी। ब्लैक गार्लिक किसके, ऐसा क्या होता है? मशरूम से क्या होता है? दुकान आप देख सकते हो, चेरीज ली है अगेन, और ये मैंने दो स्टिक्स ली है हनी की, जो डार्क वाली है वो है वाइल्ड बेरी और जो दूसरी वाली है वो है, क्या कर रहे हो आप, अपनी चीजी अपनी चीजी, एक गार्लिक चिप्स रखे हुए इन्होंने, पता नहीं जो जो लोकल शॉप्स है ना गार्लिक का इतना सामान होता है इनके पास। ओ माय गॉड, गार्लिक इतनी वैरायटी, सिरप, उसके जो ऑयल्स, चिप्स, स्वीट्स, गार्लिक की आइसक्रीम, गार्लिक की बहुत स्वाद है। वाओ, इसका कैसा टेस्ट है, जैसे पॉपकॉर्न नहीं होते मुंह खुल जाते हैं वैसा है ना, बहुत स्वाद है। चलो चले फिर, बहुत स्वाद है। ट्रक में बैठ के मैं अपना सिरप पी के देखूं। बहुत स्वाद है। चलो तो चेरीज आर गुड, मैं ये ट्राई करती हूँ हनी इन्होंने रखा हुआ है, जैसे पॉप्सिकल, पॉप्सिकल बोलते हैं उसको, फ्रीजीज कह सकते हैं, जैसे रखी होती है ना बच्चों के लिए। ये देसियों का भंडार, भंडार ब्रदर्स का, ये वाला तो खाना था ना उधर करके। टू गुड पाल,
अलग सा टेस्ट आ रहा है कुछ इसमें। बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे दवाई नहीं होती वो इंडिया में खांसी वाली, तो बीच बीच में वैसा भी लग रहा है। ओ ये वाइल्ड वाला है मे बी इसलिए। दूसरा वाला ट्राई करती हूँ, वो देखती हूँ कैसा है। दिस इज गुड। तो ये वाला तो मैंने कर दिया खत्म, जो खांसी वाली दवाई जैसा था। ये वाला ट्राई करते हैं अब। ये है क्लोवर, लेट्स सी। ये है बिल्कुल मीठा शहद होता है ना जैसे लाइक प्योर, ये वैसा वाला है। इसमें वो दवाई वाली फीलिंग नहीं आ रही। दिस इज बेटर देन दैट, बट वो मुझे स्टिल ज्यादा अच्छा लगा। और मेरे गार्लिक चिप्स तो अव्वल नंबर थे। मतलब जिस बंदे को गार्लिक पसंद नहीं है ना, बंदा सूंघ नहीं सकता गार्लिक, वो गार्लिक चिप्स खाए वो बंदा कहेगा मैंने गार्लिक ही खाना है। अभी हम पहुंच गए हैं पिकअप करने के लिए। एग्जिट ले लिया है हमने, तो ये देखो काफी खुला खुला एरिया है, फैक्ट्रीज ही लग रही हैं इधर यहाँ पे हैं। एक तो जो है मेरे लेफ्ट साइड पे ही है और राइट साइड पे दोनों साइड ही है, फैक्ट्रीज ही हैं। और थोड़ा ओपन सा है सारा ये। तो हम है किंग्सबर्ग में फ्रेज़नो, लगता है नई नई कंस्ट्रक्शन हुई है इस रोड की, रोड नया नया बना है यार। एक तो ना मालूम नहीं क्या बाथरूम, मतलब यूरिन को मालूम नहीं कैसे मालूम चल जाता है कि हम पहुंच गए हैं। एकदम से ना एकदम से प्रेशर बन जाता है। अब जाना कहाँ पे है, ओ शिट, तो वो दूसरी तरफ है हमारी कंपनी, यहाँ हमने जाना है सनमेड, और वो दूसरी तरफ है। तो अभी हमें उधर जाना पड़ेगा यार, ये क्या बात हुई बोला। और यहाँ पे लिखा है कि यू टर्न नहीं ले सकते, तो फिर जाना कैसे है हमने। तो मुझे लगता है हाँ इधर से पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा हुआ हमने वहां से यू टर्न नहीं लिया, वैसे भी लिखा था कि यू टर्न नहीं ले सकते। तो सेकंड गेट एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस है इनकी, तो सेम वही करेंगे हम स्टॉप साइन पे, जो पहले आया वो पहले जाएगा भी। इंडिकेटर दिया हुआ लेफ्ट का, तो किसी को क्या मालूम चलेगा कि सीधा जाना तुमने। तो ये तो है एग्जिट ओनली, और वो आगे रही हमारी एंट्रेंस। शुक्र है पहुंच गए सही सलामत। तो ये बढ़िया है, इन्होंने बड़ा बड़ा करके ड्रो किया हुआ है कि यहाँ से ट्रक एंटर हो, शिपिंग फ्रेट एंट्रेंस जी। अच्छा है यार, जो पहली बार देखा मैं, आप मैं पहली बार ही आया हूँ कि प्रॉपर बोर्ड लगाए हुए हैं किधर जाओ किधर नहीं, ठीक है। यहाँ फिर से शिपिंग, इधर जाओ। सो हम गलत लोकेशन पे आ गए थे और अभी उसने बताया है, तो अभी दोबारा दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो उधर जाने लगे हैं अभी हम। तो यहाँ हम पहले रुके थे वही था, वही जाना था, क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है उस पर नेम इनका लिखा था, लेकिन मे बी जो इनका सेकंड वेयर हाउस है और उसका नेम अलग है,
और हमने वहाँ से लोड उठाना था जहाँ हम पहले रुके थे आके, तो अभी फिर दोबारा वापस वहीं जा रहा हूँ मैं। मुझे यार था कि मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ, लेकिन ना जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मुझे बहुत नफरत है जब मैं ऐसे, मतलब जो अपॉइंटमेंट टाइमिंग है मैं उससे अगर मैं लेट पहुंचूं ना, मुझे बहुत नफरत है उस चीज़ से। मुझे होता है कि नहीं, जाना है तो राइट टाइम पे पहुंचना है, पहले पहुंच जाओ लेकिन लेट नहीं पहुंचना। मतलब शिकायत का मौका ही नहीं देना डिस्पैच को कि डिस्पैच ये कहेगे है ना कि आप लेट पहुंचे जे है बला बला बला, तो मुझे ये होता है कि शिकायत का मौका ही नहीं देना मैंने। वो रहा हमारा पीछे, अभी वहां से मैं यू टर्न लेके दोबारा वापस आऊंगा यहाँ पे, तो चलो मिल गया है, खैर सही है, स्टिल टाइम पे हूँ मैं, 12 बजे की है तो पहुंच ही जाऊंगा टाइम से, पहुंच ही गया हूँ, 11:40 हो गए हैं, तो यहाँ से हम लेके फिर अभी यू टर्न। पिकअप हो गई थी डन, और उसके बाद अभी हम यहाँ पे शिफ्ट चेंज करेंगे, और फ्लाइंग चेक के साथ में एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट था और यहाँ पे हमने करवाए हैं सोपे, लाइक छोटे से ब्रेड के ऊपर इन्होंने लाइक टैकोस की तरह बना के दिए, बड़े टेस्टी थे एंड इट वाज रियली गुड। क्या पिकअप किया है हमने पान? सोंगियां रेजिंस। ओके, तो कैसा लगा खा के आपको आज नई जगह पे? अच्छा था, इनका रिफ्राइड बीन्स बड़े अच्छे थे। हमें अब पता चला कि वो उसमें बनाते हैं मिक्सी में, और मेन बात गुआकामोली फ्री दे रहे हैं साथ में। हाँ, कोई नहीं देता फ्री, तो कोई नहीं फ्री देता, पैसे लेते हैं सारे। कितनी है? 18। आप क्या कर रहे हो अभी? मैं पेपर वर्क तैयार कर लूं, हमने पेपर भेजना होता है ना, सो दैट लोड क्लियर हो सके। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके पहले पंप से हम भेज देते हैं, तो अभी मैं ये भेजूंगी और फिर मेरी शिफ्ट शुरू यहाँ से। तो फिर कर दो बाय बाय, आप स्टार्ट मैंने किया था, एंड आप कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताएं कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सो